वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची झारखंड की। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं वैसे स्टूडेंट की जिनकी एग्जामिनेशन है। तो पिछले वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में हमने एग्जामिनेशन प्रोग्राम सभी सब्जेक्ट की डेट वाइज एग्जामिनेशन प्रोग्राम की जो है वीडियो अपलोड की है। अगर आप देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का ये वीडियो है एग्जामिनेशन फीस सबमिशन नोटिस जो कि 16/6/2022 को आया है। तो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन नोटिस के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से कोर्स वाले स्टूडेंट, कौन से कैंडिडेट बीए, बीएससी, बीबीए, किनको कितना फ़ीस सबमिट करना है और किस तरीके से करना है, ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, साथ ही साथ ऑफलाइन कैसे चलान इसको जमा करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट जो कि बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीजेएमसी, बीएफएम सेमेस्टर 6, वहीं पर एमए, एमएससी, एमबीए, एमकॉम, एमजेएमसी, एमएफएम सेमेस्टर 6 के है, रेगुलर हो या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग वोकेशनल कोर्स जो है उनको डायरेक्टेड टू फॉलो है कि स्टेप गिवन बिलो द कि आप ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं एग्जामिनेशन फीस जो है। आज हम लोग थ्योरेटिकल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करना है। तो मुझसे जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, साथ ही अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द गिवन स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.dspmu.ac.in पर आ जाना है। ऑनलाइन फिल द फॉर्म, पे द एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन एंड जनरेट द पेमेंट चलान, आपको पेमेंट कर देना है और क्या करना है, पेमेंट चलान जो है वो जनरेट कर लेना है। फेलियर ऑफ पेमेंट फॉर द एग्जामिनेशन फी आफ्टर द शेड्यूल डेट विल नॉट बी इंटरटेन्ड, शेड्यूल डेट के आपको पहले ही आपको कर देना है। तो शेड्यूल डेट क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि कौन से डेट जो है वो दिए गए हैं। द डेट फॉर सबमिटिंग द फॉर्म एंड एग्जामिनेशन फी आर एज फॉलोज, 17/6/2022 से स्टार्ट हो चुकी है और 26/6/2022 तक जो है आप पेमेंट कर सकते हैं विदाउट लेट फी। एंड फॉर्म कितना, 28/6/2022 तक ₹500 जो है वो लेट फाइन के साथ में आप सबमिट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने यहाँ तक 26 तक नहीं किया है तो आप 28 से 1 तक लेट फाइन के साथ में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कहा गया है कि द लिंक ऑफ सबमिटिंग द एग्जामिनेशन फीस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द कोर्स फी। ये जो द लिंक फॉर सबमिटिंग द एग्जामिनेशन फी विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट के लिए है जो ऑलरेडी सबमिटिंग कोर्स फी जो है वो सबमिट कर चुके हैं उनके लिए। नेक्स्ट आपका जो पेज है इसमें है कि एग्जामिनेशन नोटिस है, स्टूडेंट्स बी ए, बी एस सी, बी बी ए सेमेस्टर 6, एम ए, एम एस सी, एम बी ए, एम सी ए, एम कॉम, एम ए, आर डी पी ए सेमेस्टर 4 है एंड एम सी ए सेमेस्टर 6 आर डायरेक्टेड टू फॉलो द स्टेप गिवन बिलो फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए ये आपको फॉलो करना होगा। आफ्टर लॉग इन जस्ट पे द एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन, जनरेट द पेमेंट चलान, जैसे लॉग इन कीजिएगा उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो जनरेट होगा पेमेंट चलान, डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन फीस टू बी डिपॉजिटेड बाय द एग्जामिनी थ्रू ऑनलाइन चलान, द फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स ऑफ, ये जो आपका है इनके लिए है देख लीजिएगा,
सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 से 22 विल बी स्ट्रिक्टली फॉलो एज पर द प्रोग्राम मेंशन बिलो। जो प्रोग्राम दिया गया है वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 से 22 का जो है विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एज पर द प्रोग्राम मेंशन। जो प्रोग्राम दिया गया है इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। कौन बीए बीएससी बीबीए सेमेस्टर 6 एमए एमएससी एमबीए एमसीए एमकॉम एमए आरडीपीए सेमेस्टर 4 एंड एमसीए सेमेस्टर 6। कोर्स एंड सेमेस्टर यहाँ पे दी गई है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी विथ फाइन। यहाँ पर आपका कोर्स है बीए बीएससी बीबीए सेमेस्टर 6। 17 से 26 तक आपका बिना लेट फाइन का जमा करना है और ₹500 लेट फाइन से 28 से 1 तक जमा करना है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। एमए एमएससी एमबीए एमसीए एमकॉम एमए आरडीपीए सेमेस्टर 4 एंड 6 दोनों के लिए है। इनका भी वही डेट है, सेम डेट है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, क्लास एंड सेमेस्टर, कैटेगरी, एग्ज़ाम फ़ी, डिग्री फ़ी, किसके लिए कितना फ़ी जमा करना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से कोर्स के लिए, वो यहाँ पर चार्ट में दिया गया है। सबसे पहले है बीए बीएससी बीबीए सेमेस्टर 6, उनके लिए कैटेगरी दी गई है यहाँ पे, एग्ज़ाम फ़ी है, डिग्री फ़ी है, ये आप नोट कर लीजिएगा। टोटल फ़ी आपका 1420 और 1320 है, जनरल के लिए 1420 और वहीं पर एसटी एससी और बीसी के लिए 1320। एक्स इस्ट कैंडिडेट जो है इनका अप टू टू पेपर, मोर देन टू पेपर, अप टू टू पेपर के लिए दिया गया है यहाँ पे 470 और मोर देन टू पेपर जो है उनके लिए 570 दिया गया है। बीए बीएससी सेमेस्टर 6 वोकेशनल, ये आपका फ्रेंड्स जिस भी सब्जेक्ट से है आप, जिन जो भी आपका कोर्स है आप उसकी फ़ीस देख लोगे। ये देखिए यहाँ पर है अप टू टू पेपर, ये एक्स कैंडिडेट के लिए है, और मोर देन टू पेपर दो पेपर से ज़्यादा के लिए है। इसी तरह से यहाँ पे एमसीए का है, देखिए टोटल आपका ये है, ये आप इसको देख लोगे। परीक्षा सूचना की बात अगर करें तो परीक्षा सूचना क्या है कि बीए बीएससी बीबीए सेमेस्टर 6 एमए एमएससी एमबीए एमसीए एमकॉम एमए आरडी एंड पीए सेमेस्टर 4 एंड एमसीए सेमेस्टर 6 के छात्र को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। परीक्षा फॉर्म इन कैंडिडेट्स को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो नीचे दिया गया स्टेप्स है उनको फॉलो करना होगा। लॉगिन करने के बाद सिर्फ आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करना है और भुगतान चालान उत्पन्न करना है। ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क का विवरण यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन जो है जो पेमेंट किया जाएगा उसके लिए ये विवरण दिया गया है। कोर्स एंड सेमेस्टर है, यही चीज़ ऊपर भी था फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वही चीज़ है, देख लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, साथ ही जिनके लिए ये हेल्पफुल है उनको शेयर भी ज़रूर करें। लाइक करना ना भूले, आपके एक लाइक से मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।